हे गाइस, दिस इज मयंक बाजोरिया और वेलकम आज के वीडियो में। एप्पल की नई इवेंट कंप्लीट हो गई है और उन्होंने नई सीरीज ऑफ आईफोन्स और आई वॉच अनाउंस कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात ये है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं है कंपेयर टू लास्ट ईयर मॉडल। जी हाँ गाइस, जो थोड़ी मोड़ी चेंजेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। आई वॉच सीरीज 9 में एक इंटरेस्टिंग फीचर लॉन्च की है, वो है कि हैंड गेस्चर मोशन की। ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है वो उन्होंने एप्पल विजन प्रो की जो टेक्नोलॉजी उससे कॉपी करके आई वॉच सीरीज 9 में डाली है। दो चीज़ इंटरेस्टिंग है, ये जो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली आपकी जो यूजिंग पैटर्न है उसको काफ़ी अच्छा करेगी, और सेकेंड थिंग एप्पल इस टेक्नोलॉजी को और डेवलप करेगी आगे आने वाले मॉडल्स के लिए। तो बेसिकली छोटे मोटे प्रोसेसर अपडेट के अलावा आई वॉच सीरीज 9 में और कोई मेजर अपडेट नहीं है। और अब डिस्कस करते हैं आईफोन सीरीज 15 को। आईफोन सीरीज 15 में भी कोई मेजर टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं है। जो 15 सीरीज यानी कि 15 और 15 प्लस नॉन प्रो मॉडल्स में अब आपको सेम कैमरा मिल जाएगी, यानी कि 48 मेगापिक्सल की, जो कि प्रो मॉडल्स में खाली थी और उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। एंड जो 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में उन्होंने दो चेंजेस को लाया है। पहली जो चेंजेस है कि उसमें उन्होंने टाइटेनियम फिनिश फोन को लाया है, जो कि काफ़ी सुंदर एक्चुअली दिखने में। और जो सेकंड जो चेंज है वो ये कि जो एप्पल की हिस्टोरिक साउंड बटन हुआ करती थी वो रिप्लेस हो गई एक स्लाइड एक्शन बटन से, यानी कि अब उस बटन से खाली साउंड ही नहीं, आप कैमरा और काफ़ी अदर फीचर्स को भी कंट्रोल कर पाओगे। इसके अलावा कोई और टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं आई फोन 15 सीरीज। और अब बात कर लेते हैं यूएसबी सी चार्जिंग को लेकर भी। ये जो यूएसबी सी चार्जिंग है उसका मतलब ये है कि गाइस, कि अब आप जो सेम केबल अपने सैमसंग के लिए यूज़ करते थे, वन प्लस फ़ोन के लिए यूज़ करते थे, मैकबुक के लिए यूज़ करते थे, अब आप सेम केबल यूज़ कर पाओगे अपने आईफोन सीरीज 15 के लिए भी। ये जो चेंज हुई है वो अंडर द प्रेशर हुई है फ्रॉम यूरोपियन यूनियन और इन्वायरमेंटल इश्यूज के कारण, तो इससे कस्टमर्स को काफ़ी सुविधा होगी डेफिनेटली। तो गाइस, यही थी एप्पल की अपडेट इस साल में। मेरे को पर्सनली ये बात लगती है कि एप्पल को अपने सीरीज को आईफोन 15 नाम नहीं देना चाहिए था, बल्कि 14S देना चाहिए था, जैसे उन्होंने 10 और 10S को दिया था। इसी तरह 14 और 14S देना चाहिए, ताकि जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन वो इतनी बिल्डअप नहीं होती और एप्पल की जो ब्रांड वैल्यू वो इंटैक्ट रहती। तो गाइस, ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।